बीटीसी डीएवी कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स मीट के अवसर पर यहाँ उपस्थित डीएवी स्कूल की आदरणीय प्रिंसिपल रंजू प्याल जी, यहाँ उपस्थित डीएवी स्कूल के समस्त प्राध्यापक व स्टाफ तथा उपस्थित प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए स्पेशली अपने लिए बहुत ही एक अच्छा और खुशी का दिन है, क्योंकि मैं स्वयं इस कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। 96 में मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी कॉलेज के इस फंक्शन में जहाँ मैं आपकी जगह था, तो आज मैं यहाँ हूँ। तो एक मेरे लिए स्पेशली अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है ये पल है, और बहुत ही अच्छा लगा एक जब आप अपने स्कूल में या कॉलेज में जहां आपने प्लस वन से लेकर फाइनली 5 साल मैंने इस कॉलेज में लगाए यहां पर, तो तब से लेकर आज तक मतलब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। हमारे समय में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन ये स्पोर्ट्स मीट होती थी और बहुत अच्छे से होती थी, बहुत अच्छा जोश रहता था बच्चों में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। बैडमिंटन और क्रिकेट मेरे अपने मतलब अच्छे जो फेवरेट गेम्स थी। बैडमिंटन में तो 3 साल मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में चैम्पियन रहा इधर कॉलेज में और क्रिकेट भी हमारे आर्ट्स और साइंस के होता था, मैच होता था एक आर्ट्स का साइंस का, तो उसमें टॉप स्कोरर था मैं जब एक बारी यहाँ पर हुआ था, क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से स्पोर्ट्स की इसमें आते हैं, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बैडमिंटन का एक लड़का आया था, उससे लगा था बताने में, यार ठीक है तुम मेरी गेम खेल रहे हो, अभी भी खेलता हूँ बैडमिंटन, बहुत अच्छी गेम है। गेम्स आपको ना बहुत एक कहावत भी है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ तन में जो है स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आपकी फिजिकली आप एक्टिव हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो या खेलते हो तो आपके जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो बहुत पॉजिटिव हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, तो आपको नशे वगैरह की तरफ जाने का आपका मन नहीं करता, वो अपने आप ही नहीं करेगा आपका। अगर आप एक्सरसाइज करके आओगे या खेल के आओगे, फिर आपको ऐसा कोई अगर आपका दोस्त ऐसा कहता है कि चलो कुछ नशा करते, आपका मन वैसे ही नहीं करेगा। तो खेलों का बहुत ही मतलब हमारे लाइफ में बहुत अच्छा एक प्रभाव होता है, और ये मतलब खेल कूद में आपको हिस्सा जरूर लेना चाहिए, ठीक है। एक तो स्पोर्ट्समैनशिप, आपस में जब आप खेलते हैं किसी के साथ तो वो जो यारी दोस्ती जो आपका जो एक जो बॉन्ड डेवलप होता है खेलों से आपस में एक दूसरे के प्रति, वो बहुत ही गजब का बॉन्ड होता है। और जितने भी यहाँ पर जो आप जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो विनर्स हैं, उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ, और जो किसी कारण से मतलब उस जो पोडियम है उसमें अपना स्थान नहीं बना पाए, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, आप विनर हो, ठीक है। वो एक शेर है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आपने पार्टिसिपेट किया, यू आर ऑल विनर, और इसी तरह से जीवन के मतलब हर उसमें स्टेप में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कहीं पे भी अपने को रुकना नहीं, ठीक है। अपना जो आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए जी जोर से मेहनत करो, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव है। इम्पॉसिबल को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है, आई एम पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, अपने सपनों को उड़ान दो, स्काई इज दी लिमिट, और अभी ये जो आपकी एज है इसी एज से अगर आप अपना लक्ष्य तय करोगे तो उसको हासिल करने में आप जरूर सफल होंगे, ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं है। और मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आने का जो एक सुअवसर प्रदान किया, आप सब लोगों से रूबरू होने का एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
इस लहराते हुए ध्वज का सम्मान करते हुए मैं प्रिंसिपल मैम और एसडीएम सर को स्टेज पर आने का आमंत्रण देती हूँ।